ऐसा नहीं शादी है कि... के बाद आदमी को यूं ही रहना चाहिए अगर अच्छी गृहस्थी चाहिए तो। गॉड हम इतने एक्साइटेड है ना, इतने सारे बच्चे हमारे घर पे हैं इस वक्त। ये हम हैं और ये हमारी बिल्लियां हैं और ये हम पावरी हो रही है, यहाँ पावरी हो रही है, यहाँ दोस्तों मजेदार दिन है। ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, देख लो कुछ भी ट्रेंडिंग में चलता है। हम इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, हमारा ट्रेंडिंग नहीं होते। पाई हो रही है, पाई हो रही है, पाई हो रही है। और ये देखो ट्रेंडिंग में आ चुका है, जहाँ भी देखो रेडियो पे देखो हर जगह पावी हो रही है और सू ने भी सुन लिया पारी हो रही है। चलो व्लॉग शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग? दोस्तों आप लोगों को अपडेट देना चाहते थे हमारी बिल्लियों के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि बिल्लियों के जो बच्चे हैं पैदा हुए हुए उनको 5 दिन हो गए हैं, और 5 दिन में क्या क्या हुआ है वो आपको बताएंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सॉरी बोलूंगा, बहुत से लोग आप लोग घर आ रहे हो इन बिल्लियों के बच्चों से मिलने के लिए। मैं आपको बहुत बहुत सॉरी बोलता हूँ कि मैं आपको मिला नहीं पा रहा इन बिल्लियों के बच्चों से, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि माशा जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगी अगर बहुत सारे अजनबियों को देख लेगी तो, और हम उसको कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहते इस वक्त। एग्जैक्टली। और वो आजकल पता है क्या है, स्टार्टिंग में तो क्या हुआ था, जब रंजना भी उसके बॉक्स के पास गई थी तो वो एकदम से घबरा जाती थी, और हम भी जब जाते हैं ना हमने उसके बॉक्स के पास तो वो घबरा जाती है। तो मैं चाहता नहीं कि कोई भी उसके ऊपर कोई बात हो, और हम उसको बच्चे की तरह पाल रहे हैं। थोड़े दिन आप रुक जाओ, जो भी आप आना चाहते हो मैं सबको ये बिल्लियों के बच्चों से मैं आप ही के। और दोस्तों मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं देखो अब क्या क्या चीज़ तो ट्रेंड हो रही है, और पहाड़ी हो रही है, ट्रेंड हो रहा है। तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक टू माई वीडियोज एंड शेयर। अगर आप इसको शेयर करोगे तो और अच्छा है, हमारे चैनल और ग्रो करेगा। दोस्तों ये है किटन्स के बेबी, जैसे कि आपको पता है 5 के 5 सब ठीक है। ये ब्लैक बेबी है, ब्लैक कह रहे थे पर ये ग्रे कलर का निकला। ये देखो माशा आ गई, देखो 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 देखो, जैसे इसके बच्चे को हाथ लगाया ये आ गई एंड ये देखो अंदर घुस गई। ये हमने बॉक्स बनाया है माशा के लिए, इसके लिए भी एक रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। अभी तक क्या है इनकी ना आईज नहीं खुली है, ये अभी बहुत छोटे हैं, इनकी आईज नहीं खुली, अभी 5 डेज हुए हैं, 12-15 दिन में आईज खुलेगी। माशा आ गई, देखो ये घबरा गई कि एकदम से सारे मेरे बॉक्स के पास क्यों आ गए हैं, तो ये घबरा गई। और ये देखो ये एक और है, और ये एक और बेबी है। इनमें से एक बच्चा ऐसा है जिसके बाल बहुत कम है, वो आपको दिखाता हूँ, वो जो सबसे लास्ट में आया था ना ये वाला बेबी, ये बेबी है। इसके बाल बहुत कम है और ये थोड़ा कमजोर लग रहा है ना, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, और उन बिल्लियों से जस्ट लुक इट, इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग अर्जुन, बताएंगे और मैंने कितने प्यारे हैं ये। आईज भी नहीं खुली है अभी इनके दांत भी नहीं है, इनकी आईज है ना 15 दिन बाद खुलेंगे। जो है माशा इनको चाटती रहती है, प्यार करती रहती है, और ज्यादा माशा घूमती नहीं है वैसे ना। अभी सू इन सब बच्चों के नाम रखेगा, जो ये ब्लैक वाला बच्चा हम सोच रहे थे ये धीरे धीरे करके कलर चेंज कर रहा है, और इसका ग्रे कलर हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ग्रे कलर का हो चुका है थोड़ा थोड़ा ना। इट्स ब्यूटीफुल बेबी, आपने कितना सारा पकड़ा। चलो माँ से दूर आते देखो म्याऊ 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 करनी शुरू हो गई है, तो हम इसको दूध पीने का टाइम हो गया। ये जिंजर उसको दूध, माशा उसको दूध पिला रही है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने अपने ये पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था कि माशा ने बेबीज डिलीवर करे थे, और उन बेबीज डिलीवर करने के बाद पूरा एक दिन माशा मतलब रात को डिलीवर हुए थे तो माशा बहुत वीक थी, वो एक ही जगह बैठी रही। क्या हुआ उसके बाद, मैंने डॉक्टर से बात किया, ब्रीडर से बात किया, मैंने ना इसके आगे ड्राई फ्रूट डाल रहा था तो ये ड्राई फ्रूट खा नहीं रही थी, तो रन्ना टेंशन में हो गई। मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला ये पानी पिएगी, पानी पीने के बाद खाना खाएगी, तो रन्ना सारा दिन इसके आगे पानी रख के बैठी रही। मुझे लगा कि पानी पिएगी और उसके बाद खाना खाएगी, पानी पिएगी, वो पानी नहीं पी रही है, तो मैंने खाना भी नहीं सर्व किया। सुबह तो उसने फूड खाया नहीं क्योंकि जो कैट के साथ वो फ्लैश अम्लीकल कॉर्ड जो थी वो ये खा चुकी थी, और ये वो 5 खा चुकी थी इसके पेट में थे, तो इसको उस टाइम भूख नहीं लगी। तो सुबह से लेके शाम तक रन्ना वो पानी लेके बैठे कि पानी पिएगा, तो मुझे पता है इसकी फेवरेट फूड क्या है, तो मैं क्या करा, मैंने गोट लिवर ले लिया एक शॉप से, और वो मैं उसको छोटे 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 पीस में पूरा उसको कटवा के ले आया, और साथ बॉइल्ड चिकन ले आया। तो वो गोट जो गोट लिवर था मैंने इसके आगे सीधा कच्चा ही डाल दिया, और इसने गप 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 करके बड़ी खुशी खुशी वो खा लिया, और रन्ना और मेरी टेंशन दूर हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 घंटे बाद हमने चिकन बॉईल करके दिया इसको, नियर अबाउट 200 ग्राम्स, ये वो पूरा खा गई।
इसका मतलब वो बहुत भूखी थी और रंजना ये सोची जा रही थी पहले ये पानी पिएगी उसके बाद खाना खाएगी, क्योंकि हमारे को जिस भी रीडर ने भी यही बताया था पहले पानी पिएगी फिर उसके बाद खाना खाएगी। डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने बोला अगर आज इसने कुछ खाया नहीं तो आपको मेरे पास लाना पड़ेगा, इसको बुखार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पर विद द ग्रेस ऑफ गॉड और आप लोगों की सबकी दुआओं से इसने खा लिया। मैं मतलब इतना रिलीफ मिला ना मेरे को अपने आप पे इतना गिल्ट आ रहा था ना कि यार कि क्या मैंने बेचारी बच्ची को पूरा दिन भूखा रख दिया इस चक्कर में कि वो पहले पानी पिएगी फिर खाना खाएगी। फिर उसके बाद क्या है उसमें, इसके बाद इसके बॉडी में थोड़ी एनर्जी हो गई तो नेक्स्ट डे ये उस दिन सो गई। नेक्स्ट डे जो था ये बच्चों से थोड़ा दूर भी बैठना शुरू हो गई, जैसे बेड के पास, पर्दे के पास और इन सब जगह बैठना शुरू हो गई। हाँ, दूध पिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँ मैंने क्या किया। मैंने जो इसके बॉडी के नीचे बाल थे वो मैंने शेवर से शेव कर दिए, जैसे कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो बालों की वजह से, तो वो मैंने सारे शेव कर दिए थे। मेरी बात पूरी होने दो। इतना सेंस है एनिमल्स में, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। बच्चों की रोने की आवाज आई, रात को हमने देखा कि वहां पे सिर्फ दो ही बच्चे पड़े हुए और माशा को क्या है डर लगना शुरू हो गया कि उसको ऐसे लगे कि उसके बच्चे कोई खा रहे हैं। तो एक बच्चा सोफे के नीचे बाहर मिला, दो बच्चे सोफे के नीचे थे, जिस सोफे के ऊपर हम बैठे हुए हैं ये वाला सोफा है, इसके नीचे ये बच्चे माशा ने रखे हुए थे और हम घबरा गए। हमने बच्चे उठा के ऊपर रखे और थोड़ी देर बाद फिर देखा, फिर माशा बच्चे उठा उठा के नीचे ला रही थी, तो हम घबरा गए क्या है। तो मैंने उसी टाइम इंटरनेट पे सर्च करा और मैंने देखा कि किटन्स को ऐसे लगता है कि उनके बच्चे को उठा के ले जाएगा तो उनको बॉक्स में रखना जरूरी है। भी तो है ना कि बच्चे खा जाती है किटन, जो बच्चा कमजोर होता है उसको खा जाती है। अभी तक हमें यही लग रहा था कभी अपने बच्चे ना खा जाए, हमें लगा खा तो नहीं अपने बच्चे। फिर एक और मिथ है कि बिल्ली चार घर अपने बच्चे घुमाती है, सात घर अपने बच्चे घुमाती है। हम वो सोच रहे क्या पता इसी को वो सोच रही और घुमा रही है। तो उस दिन से हमने जो है माशा के बच्चे ये बॉक्स में डाल दिए, जो आपने अभी देखा स्टार्टिंग में वीडियो में, ये बॉक्स में डाल रखे ये बच्चे रहे और ये माशा है देखो डर रही है। ओहो, तो ये बॉक्स हमने उसको दे दिया माशा को, जिससे कि ये थोड़ा ठीक रहे, कंफर्टेबल महसूस करे। उस दिन के बाद से इन तीन दिनों में माशा अच्छा खाना खा रही है, ड्राई फ्रूट नहीं खा रही, चिकन खा रही है, लिवर खा रही है, पर ड्राई फ्रूट नहीं खा रही अभी तक। हाँ, लिक्विड फूड में भी एक जो सीबा कंपनी का फूड है वो ही खा रही है, बाकी ड्राई फ्रूट नहीं खा रही। सुबह इसको हम कच्चा अंडा फेंट के देते हैं वो खाती है। मैंने जो डॉक्टर से बात करी थी तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि इसको प्रोटीन की बहुत जरूरत है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन देना। तो चिकन में ज़्यादा प्रोटीन है, लिवर का मेरे को पता नहीं है, पर लिवर ये बहुत खुश होकर खाती है और मेरे को उस टाइम ये लग रहा था कि कुछ खाए ना खाए लिवर जो खा लेगी। तो इसको दो तीन दिन से मैं लिवर दे रहा हूँ, साथ में बॉइल्ड चिकन भी दे रहा हूँ जिससे कि खुश होकर खाए। आज ऐसा दिन है जिस दिन मैं इसको लिवर नहीं दूंगा, सिर्फ बॉइल्ड चिकन दूंगा। तो आज का जो भी होगा वो मैं अगले ब्लॉग में। अपने पास प्यार कराने बहुत आ रही है, जब भी अपने बच्चों से दूर आती है। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। आए, आप लोगों की बहुत शिकायत है कि मैं रन्ना को व्लॉग में नहीं लाता, रन्ना हमेशा मेरे साथ व्लॉग में होती है। खैर, मजा ही तब आता है जब रंजना व्लॉग में होती है, रन्ना के बिना मैं कहाँ जाऊँगा। कई लोगों ने ये बोला है कि रन्ना को व्लॉग में लिया, रन्ना तो है व्लॉग में हमेशा मेरे साथ, अब यही नहीं आती तो मैं क्या करूँ। और ये इंसान, ध्यान से देखो इस इंसान को, ये मेरे को कभी भी नहीं बोलने देते। बोलो बोलो बोलो, जब भी मैं बोलती हूँ हमेशा मेरी बात बीच में काटते हैं। अब ये बोलेगी नहीं काम की बात, ये काम की बात नहीं बोलेगी अभी। बट कल रात को कमाल हो गया, मैं नहीं बोल रहा ना बोलेगी। मैं जो कह रही थी ना, मेरी भी एक रिसर्च है, ऐसा नहीं शादी के बाद आदमी को यूं ही रहना चाहिए, अगर अच्छी गृहस्थी चाहिए तो। अब देखो मैं बोल रही हूँ फिर भी नहीं बोलने दे रहे मुझे। मैं आपको मना कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ सबको कि शादी के बाद ऐसे रहना चाहिए पति को। आप तो ऐसे नहीं रहते। मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। बोलो 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 बोलो। अब क्या बोलो बोलो करने से एकदम से मैं क्या बोलूँ। मैं ये बोल रही थी, ठीक है, मैं ये बोल रही थी कि जो अर्जुन की जो थ्योरी कहने वाली थी, क्या अर्जुन की जो आप कुछ बोल रहे थे, बोलो ना। ये मिथ है कि भाई जो बिल्ली है वो बच्चों को इधर उधर घुमाती है, क्या? नहीं नहीं, ये मिथ है, क्या बोल रहे थे? देखो अब मैंने नहीं बोला, मैंने अब बोलो अभी आई ना मेरे पे, मैं बताता हूँ। नहीं कटेगा ये तो, सब डलेगा। अरे ऑडियंस को सब कुछ देखना है। अरे शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी देख लो दोस्तों। आप जो कहते हो ना इसको बीच में ये बोलती नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, कमेंट्स में आप उल्टा सीधा बोलते हो, देख लो। अब ये खुद ही कह रही है ना, ऐसे गुस्से में देखे खा जाएगी मेरे को। मतलब ये मैं पूरा दिन घर पे रह के इन लोगों को ना मैं थोड़ा सा देखती हूँ, एनालाइज करती हूँ कि कर क्या रहे हैं, क्या इनका रिएक्शन है दोनों का, दोनों कैट्स का, माशा और जिंजर का। तो जिंजर भी बहुत ही केयरिंग है, अनलाइक ठीक है दोस्तों। तो एक छोटा सा अपडेट मैं आपको बताना चाहता था किटन्स के बारे में और हमारे बच्चे। आप सब जो देखना चाहते थे कि आप सब चाह रहे थे कि ये किटन्स के बच्चे कैसे दिख रहे हैं, क्या हैं, अभी ये खाली है और इनके हर रोज हम शीट चेंज करते हैं, ये बहुत जरूरी है इनको हाइजीन। ये हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये दूध पीते हैं तो पूप भी करते होंगे, तो साथ के बाद साथ ये इनकी शीट चेंज कर रहे हैं बार बार। तो ये
छोटा सा ग्लिम्स मैं आप सबको दिखाना चाहता था कि अभी तक की क्या पोजीशन, जो आप लोग मतलब आप लोग घर आना चाहते हो, इनको मिलना चाहते हो, मेरी मजबूरी है कि बस 15-20 दिन दे दो, थोड़ा ये फैमिलियर हो जाएं, इनकी आंखें खुल जाएं, थोड़े बड़े हो जाएं, तो आप सब आके इन सबसे मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा व्लॉग था आप सबके लिए, ये बच्चों दिखाने के लिए, जो जो बच्चों से मिलना चाहते थे, हम जैसे बच्चों से मिलने के लिए और इस जैसी जंगली बिल्ली से मिलने के लिए जो कैमरे के आगे बोल नहीं पाती। तो दोस्तों होप यू लाइक द व्लॉग। मैंने बोला ना बोलने को, बोला नहीं बोलने देते। तो दोस्तों होप यू लाइक द व्लॉग, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू द वीडियो एंड शेयर शेयर शेयर। और तब तक हम करते हैं पारी पारी कर रहे हैं, पारी कर रहे हैं। चलो इनकी पारी देखता हूँ मैं, बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्द से जल्द। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो एंड लाइक करो।